हेलो लर्नर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में फटाफट रिवाइज करेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का यूनिट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, डिमांड। तो डिमांड क्या होता है, आपने मार्केटिंग में पढ़ा होगा। डिमांड, डिजायर टू एक्वायर समथिंग, एबिलिटी टू पे फॉर समथिंग एंड विलिंगनेस टू पे फॉर समथिंग। अगर ये तीन क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो ही वो डिमांड कराएगा। यानी कि एक तो आपकी इच्छा होनी चाहिए किसी भी चीज़ को खरीदने की, दूसरी चीज़ आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए उसको उसके लिए पे करने की, और तीसरी चीज़ विलिंगनेस भी होनी चाहिए पे करने की। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो वो चीज़ डिमांड कहलाएगी। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स सेटेरिस पेरिवर्स, यानी कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड वाइस वर्सा। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड उस प्रोडक्ट की कम होगी, अगर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं यानी सेम है, मतलब अदर फैक्टर्स में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस में अगर प्राइस बढ़ेगी किसी प्रोडक्ट की तो उसकी डिमांड घटेगी, वाइस वर्सा है, और अगर किसी चीज़ की प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है द क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है, यानी क्वांटिटी जो है, वो प्राइस से इनवर्सली रिलेटेड होता है। अजम्पशन होते हैं कुछ लॉ ऑफ डिमांड में, कुछ अजम्पशन होते हैं। वो कौन से अजम्पशन है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कॉन्स्टेंट, जैसे कि हमने बताया कि अदर थिंग रिमेनिंग सेम, तो ही प्राइस जो है वो डिमांड के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होगा। यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगा। तो अजम्पशन क्या होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के, कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कॉन्स्टेंट, देर इज नो चेंज इन एबिलिटी एंड प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी। यानी कि कोई भी एबिलिटिविटी में, अवेलेबिलिटी और प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है। देर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर्स अबाउट द चेंज इन फ्यूचर प्राइस एंड इनकम, यानी कि कस्टमर ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होगा या इनकम जो है चेंज होगा। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो भी सेम रहता है। अगर ये सारी चीज़ें सेम रहती हैं तो ही वो प्राइस जो है और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा। तो ये अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। देयर इज नो चेंज इन पॉपुलेशन एंड स्ट्रक्चर, तो ये अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। चीफ करेक्टरिस्टिक्स, अगर हम लॉ ऑफ डिमांड के कुछ दो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड जो आपने देखा, और दूसरा है प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्राइस के ऊपर डिमांड डिपेंड करता है ना कि डिमांड के ऊपर प्राइस। तो प्राइस क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिमांड क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है ऑन प्राइस। तो ये लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस चेंज, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज्ड, प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। अब हम बात करेंगे डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एंड द वेरिएबल्स दैट अफेक्ट डिमांड। यानी कि डिमांड फंक्शन एक एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप, जिसमें यह शो करता है कि जो क्वांटिटी डिमांड की जाती है वो कौन कौन से वेरिएबल यानी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो मैथमेटिकली अगर हम उसको एक्सप्रेस करें तो कुछ क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ पी एक्स वाई पी आर ए टी ई पी ई वाई वाई, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स इज डिपेंड ऑन फैक्टर, जो आगे फैक्टर्स दिए हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? तो क्यू एक्स स्टैंड फॉर क्वांटिटी डिमांडेड, पी एक्स यानी प्राइस, वाई यानी कंज्यूमर इनकम, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड प्रोडक्ट, एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम, यू यानी ऑल अदर फैक्टर्स नॉट कवर्ड इन द लिस्ट। तो ये डिमांड फंक्शन कहलाता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द कमोडिटी एंड द वेरिएबल दैट अफेक्ट डिमांड। नेक्स्ट है टाइप ऑफ डिमांड। तो टाइप ऑफ डिमांड, अलग अलग डिमांड्स के टाइप हैं। तो जैसे होता है, एक है टाइप डायरेक्ट एंड डिराइव डिमांड। तो डायरेक्ट डिमांड रिफर्स टू डिमांड फॉर गुड मेड फॉर फाइनल कंजम्पशन, यानी कि इट इज़ द डिमांड फॉर कंज्यूमर्स गुड्स लाइक फूड आइटम, रेडीमेड गारमेंट्स, हाउस, यानी कि जो सीधे आप शॉप पे जाके परचेज कर लेते हैं, उस टाइप की डिमांड को हम कहते हैं डायरेक्ट डिमांड। और डिराइव डिमांड क्या होता है? कि रिफर्स टू द डिमांड फॉर गुड विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जब आप कोई सामान खरीदते हैं ताकि उसमें से कुछ मॉडिफाई करके उसको दोबारा से सेल कर सके, तो उस टाइप की डिमांड को क्या कहते हैं? डिराइव डिमांड। जैसे कि इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सब क्या हैं? डिराइव डिमांड होते हैं। नेक्स्ट है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल डिमांड। डोमेस्टिक, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन इज डोमेस्टिक डिमांड, वेयर द डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल यूज इज इंडस्ट्रियल डिमांड। यानी कि अगर आप घरेलू यूज के लिए कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो डोमेस्टिक कहलाता है, और इंडस्ट्री पर्पज से यूज़ कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल डिमांड होगा। नेक्स्ट टाइप है डिमांड का ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड डिमांड। व्हेन द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट इज टाइड टू द परचेज ऑफ सम पेरेंट प्रोडक्ट, इस डिमांड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड और डिराइव डिमांड, एंड द डिमांड फॉर पेरेंट प्रोडक्ट इज ऑटोनोमस डिमांड। ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड, यानी इंड्यूस मतलब किसी की वजह से आपने खरीदा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द डिमांड फॉर सीमेंट इज क्रिएटेड बाई द डिमांड फॉर हाउसिंग, यानी कि हाउस की डिमांड है इसी वजह से आपने सीमेंट खरीदा, तो ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड। नेक्स्ट है पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स डिमांड। बोथ कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू पेरिशेबल
नॉन ड्यूरेबल सिंगल यूज गुड्स, नॉन पेरिशेबल ड्यूरेबल रिपीटेड यूज गुड्स. द एग्जाम्पल फॉर पेरिशेबल गुड्स आर ब्रेड और रॉ मटेरियल लाइक सीमेंट. द एग्जाम्पल फॉर ड्यूरेबल गुड्स आर शर्ट, कार, मशीन. यानी कि पेरिशेबल वो गुड्स जो जल्दी से नष्ट हो जाते हैं, और वहीं पर ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स जो कई सालों तक चलते हैं, तो उनको ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं. तो उनकी डिमांड इसी तरीके से न्यू एंड रिप्लेसमेंट डिमांड. द डिस्टिंक्शन फॉलोज रियली फ्रॉम द प्रीवियस वन. जैसे इफ द परचेज और एक्विजिशन ऑफ एन आइटम इज मीड फॉर एज एन एडिशन टू स्टॉक, इट इज अ न्यू डिमांड. यानी कि आप कोई नया चीज़ खरीद के लेके आ रहे हैं. और इफ द परचेज ऑफ एन आइटम इज मीड फॉर मेंटेनिंग द ओल्ड स्टॉक, यानी कि पुराने स्टॉक को बनाए रखने के लिए आप कोई चीज़ परचेज करें, तो रिप्लेसमेंट डिमांड है. द डिमांड फॉर स्पेयर पार्ट ऑफ ए मशीन इज रिप्लेसमेंट डिमांड. यानी कि जैसे आपने कोई कार खरीदी, उसका कोई पार्ट खराब हो गया, तो आप क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करके नया पार्ट लगा देते, दैट इज रिप्लेसमेंट डिमांड. बट द डिमांड फॉर द लेटेस्ट मॉडल ऑफ ए पार्टिकुलर मशीन, ये क्या है, न्यू डिमांड है. नेक्स्ट है फाइनल एंड इंटरमीडिएट डिमांड. द डिस्टिंक्शन इज अगेन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ गुड, फाइनल और इंटरमीडिएट. द डिमांड फॉर सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, सिमिलर इंटरमीडिएट गुड्स आर डिराइव्ड डिमांड. यानी कि फाइनल जो प्रोडक्ट कंप्लीट बन चुका है, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन या एडिशन नहीं होना, तो फाइनल डिमांड. इंटरमीडिएट यानी कि बीच वाले प्रोडक्ट जो अभी इनकम्प्लीट हैं, तो उसको इंटरमीडिएट डिमांड कहते हैं. इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड क्या होता है, तो इंडिविजुअल डिमांड इज द डिमांड ऑफ वन इंडिविजुअल कंज्यूमर, वेयर एज मार्केट डिमांड इज द टोटल कंबाइंड डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर इन ए पर्टिकुलर मार्केट. यानी कि इसी मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं, वो सब मिलकर जो डिमांड करते हैं, उसको मार्केट डिमांड कहते हैं. और वहीं पर एक कंज्यूमर क्या डिमांड करे, उसको इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं. फिर है टोटल मार्केट एंड सेगमेंट मार्केट डिमांड. जैसा कि आपने पीछे देखा, टोटल मार्केट है कि पूरे मार्केट से कितना डिमांड आ रहा है, वहीं पे सेगमेंट मार्केट यानी कि एक एक सेगमेंट से कितना डिमांड आ रहा है. फॉर एग्जांपल मारुति जो है वो कार सेल करती है, तो सपोज वो मेल बायर से कितने कार की डिमांड आ रही है और फीमेल बायर से कितने कार की डिमांड है, उसको कहते हैं सेगमेंटेड डिमांड. यानी कि मेल सेगमेंट फीमेल सेगमेंट से, और जब मेल और फीमेल दोनों को मिला के टोटल कितनी डिमांड आ रही है, उसको कहते हैं टोटल मार्केट डिमांड. कंपनी एंड इंडस्ट्री डिमांड, ये भी आप समझ गए होंगे कि एक कंपनी से कितनी डिमांड आ रही है, दैट इज कंपनी डिमांड, और पूरे इंडस्ट्री से कितनी डिमांड आ रही है, दैट इज इंडस्ट्री डिमांड. नेक्स्ट है एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शन है, यानी कि कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पे प्राइस के बढ़ने से डिमांड भी बढ़ती है. लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, और प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी. लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे केसेस है जहां पे प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, प्राइस के घटने से डिमांड घटती है. तो कौन से केसेस हैं, पहला है शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी. अगर कमोडिटी की कमी आ गई तो उस केस में प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, जैसे कि आपने प्याज देखा था. कॉन्स्पिशियस गुड्स यानी कि स्टेटस सिंबल गुड्स, यहाँ पे भी प्राइस का मैटर नहीं करता. अगर प्राइस ज़्यादा होती है तो लोग उसको खरीदते हैं, क्यों, क्योंकि वो स्टेटस सिंबल होता है. इग्नोरेंस, आप इग्नोर कर देते हैं प्राइस को, कोई बात नहीं प्राइस ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, हम खरीदेंगे. नेक्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है वो प्रोडक्ट, तो उस केस में भी आप प्राइस बढ़ेगी तब भी आप डिमांड करते हैं उसकी, ऐसा नहीं कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड नहीं करेंगे. गिफ्ट एंड गुड्स, इन्फीरियर गुड्स जो कि पुअर पीपल जो होते हैं वो परचेज करके कंज्यूम करते हैं उसको, तो गिफ्ट एंड गुड्स के केस में भी क्या होता है कि वहाँ पर भी प्राइस का और डिमांड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, यानी कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, डिमांड सेम रहेगी. स्पेकुलेटिव मार्केट यानी कि आप फ्यूचर में सोच लेते हैं कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, इनकम बढ़ने वाला है, तो उसके बेस पे जब आप डिमांड करते हैं तो दैट इज स्पेकुलेटिव मार्केट, तो इस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है. नेचुरल कैलमिटीज, नेचुरल कैलमिटी मतलब कि कोई घटना घट गई, दुर्घटना हो गई, तो उस केस में भी क्या होता है कि प्राइस का डिमांड पे इंपैक्ट नहीं होता है, यानी लॉ ऑफ डिमांड वहाँ पे नहीं काम करता है. तो ये एक्सेप्शन थे लॉ ऑफ डिमांड के. अब आते हैं, बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, यानी फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को. तो प्राइस ऑफ गुड्स, इनकम ऑफ द बायर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, स्टेट्स ऑफ बायर, क्लाइमेट एंड सीजन, फैशन, एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं डिमांड को, यानी कि इनकी वजह से डिमांड घटती है या फिर बढ़ती है. नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड शेड्यूल. तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. जब आप टेबल के फॉर्म में डिमांड को शो करते हैं, प्राइस और डिमांड को शो करते हैं कि कितनी प्राइस पे कितना डिमांड हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिमांड शेड्यूल. डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स एट डिफरेंट प्राइस लेवल. जैसे आप देख सकते हैं कि 5 रुपये पे 10 यूनिट डिमांड हुआ, 4 रुपये पे 20 यूनिट डिमांड हुआ, 3 रुपये पे 30 यूनिट डिमांड हुआ, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, डिमांड शेड्यूल. इस तरह डिमांड कर्व होता है. जब आप डिमांड शेड्यूल को ही कर्व के रूप में, कर्व के फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट करते, दैट इज डिमांड कर्व. डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए सर्टेन कमोडिटी एंड द अमाउंट ऑफ इट दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू एबल टू परचेज एट द गिवन प्राइस. तो आप यहां देख सकते हैं कि प्राइस वाई एक्सिस पे, प्राइस है एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है, उसको कर्व के रूप में हमने शो किया है कि 100 रुपये में 5 यूनिट, 5 रुपये में 100 यूनिट, 4 यूनिट, इसी तरह से 4 रुपये में 200 यूनिट,
₹30 में 300 यूनिट डिमांडेड हुआ था, इस तरीके से हम उसको शो करते हैं, तो डिमांड कर्व कहलाता है। अब आते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में शिफ्ट क्या होता है? तो व्हेन द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस, यानी कि जब डिमांड जो है चेंज होता है, तो ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इट इज नॉन एज चेंज इन डिमांड। यानी कि डिमांड में जब चेंज होता है किसी भी फैक्टर से, तो चेंज इन डिमांड कहते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहते हैं। ये चेंज क्यों होता है? तो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, चेंज इन पॉपुलेशन, चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, शिफ्ट डिमांड में शिफ्ट आता है। चेंज इन सीजन, तो इन सब कारणों से शिफ्ट आता है। तो कैसे शिफ्ट हो सकते हैं? तो या तो इंक्रीज होगा डिमांड, या तो डिक्रीज होगा। दो तरीके के शिफ्ट होते हैं, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, D1 है, D2 है, D3 है। तो अगर D1 से D3 की तरफ जो है शिफ्ट होता है, तो उसको इनवर्स शिफ्ट कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, डिमांड डिक्रीज हो रही है। अगर D1 से D2 की तरफ शिफ्ट हो रही है, इसको आउटवर्ड शिफ्ट कहते हैं। यहाँ पे डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। आप इस तरह से देखिए, राइटवर्ड शिफ्ट यानी राइट साइड शिफ्ट हो रहा है डिमांड, यानी कि क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। वहीं पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, तो यानी कि क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि क्वांटिटी जो डिमांड हो रही है वो डिक्रीज हो रही है। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट यानी कि डिक्रीज इन डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट यानी कि इंक्रीज इन डिमांड। अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। तो इलास्टिसिटी फैलाओ, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी प्राइस और एनी आउटपुट इज द प्रोपोर्शनेट चेंज इन अमाउंट परचेज इन रिस्पॉन्स टू स्मॉल चेंज इन प्राइस। यानी कि कितना प्रोपोर्शन चेंज होता है क्वांटिटी डिमांडेड में अगर थोड़ा सा चेंज होता है प्राइस में। इन अदर वर्ड्स कहें तो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिलेशन टू चेंज इन प्राइस और अदर डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला होता है प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस और अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि कितना प्रोपोर्शन डिमांड में चेंज होगा अगर कुछ प्रोपोर्शन प्राइस में या कोई अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज किया जाता है। तो कुछ इलास्टिसिटी के टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी, एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी टू चेंज इन प्राइस। यानी कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज करने पर डिमांड में कितना चेंज आता है, उस टाइप के इलास्टिसिटी को क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू ए चेंज इन प्राइस। कितना परसेंट चेंज होता है क्वांटिटी डिमांडमेंट में अगर प्राइस में कोई चेंज आता है। तो आप नीचे फॉर्मूला देख सकते हैं, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइड प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। प्राइस पे चेंज होने की वजह से जब डिमांड पे चेंज आता है, तो इसके प्रोपोर्शन को ही क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी तरह से इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। यानी कि कितना चेंज आया डिमांड में कंज्यूमर के इनकम के चेंज होने पे, तो उसके रिलेशन से क्या कहते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस तरीके से क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कि क्रॉस इलास्टिसिटी यानी कि किसी दूसरे प्रोडक्ट यानी सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में के प्राइस में चेंज होने पे आप जो प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, तो उसमें उसकी क्वांटिटी में कितना चेंज आता है डिमांड होने में। इट इज़ अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी टू चेंज इन प्राइस ऑफ सम रिलेटेड गुड्स। सपोज करिए आप एक एक्स गुड्स है वो पहले खरीदते रहे थे, अब रिलेटेड एक गुड्स है, एक्स से रिलेटेड एक गुड्स है वाई, तो वाई की प्राइस में चेंज होने से आपने एक्स की डिमांड इंक्रीज किया है डिक्रीज की, उसके इफेक्ट को ही क्या कहते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि यहाँ पे आपने जो एक्स की डिमांड थी उसको प्राइस के या इनकम की वजह से चेंज नहीं किया, बल्कि किसी दूसरे प्रोडक्ट से के प्राइस के घटने से आपने उसको चेंज किया। इसी तरह से एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जहाँ पे ये देखा जाता है कि जो भी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है कंपनी का, उसकी वजह से क्या इंपैक्ट होता है डिमांड के ऊपर। तो इट इज़ अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिमांड फॉर ए कमोडिटी टू ए चेंज इन एडवर्टाइजमेंट आउटले और एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी। आप यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट में इसको समझाया गया है कि इलास्टिसिटी के टाइप्स, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक में क्या है, यानी कि देर इज ए ग्रेटर चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज और स्मॉल चेंज इन प्राइस। यानी कि थोड़ा सा भी प्राइस में अगर आप चेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिमांड में चेंज होता है, तो उसको क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड यानी कि कंज्यूमर डू नॉट रिस्पॉन्ड टू डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट विथ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस। इन इलास्टिक में क्या होता है कि प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जिसमें क्या है कि अगर थोड़ा सा भी आप प्राइस में चेंज करते हैं तो डिमांड में चेंज क्या होगा, ज़्यादा होगा। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होगा, इसकी थोड़ा सा चेंज करेंगे प्राइस में तो डिमांड में कम चेंज होता है। चेंज इन डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट इज लेस देन द चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में ज़्यादा चेंज होता है और प्रोडक्ट डिमांडेड में लेस चेंज होता है, तो उसको रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि डिमांड जो प्रोडक्ट की डिमांड है और जो प्राइस है वो दोनों सेम प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं।
अब आते हैं डिमांड फोरकास्टिंग में। तो ये फोरकास्ट क्या है? फोरकास्ट क्या प्रिडिक्शन या एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट, यानी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका प्रिडिक्शन को क्या कहते हैं फोरकास्टिंग। तो डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है कि इज एन एस्टिमेट ऑफ सेल्स ड्यूरिंग स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड विच इज टाइड टू ए प्रपोज मार्केटिंग प्लान एंड विच अज्यूम्स ए पर्टिकुलर सेट ऑफ अनकंट्रोलेबल एंड कंपिटेटिव फोर्स। यानी कि हमारा सेल्स किसी कंपनी का सेल्स फ्यूचर के किसी पीरियड में कितना होगा उसको एस्टिमेट करना ही क्या कहलाता है डिमांड फोरकास्टिंग। तो कुछ मेथड्स होते हैं डिमांड फोरकास्टिंग के, जैसे सर्वे मेथड है, स्टैटिस्टिकल मेथड है और अदर मेथड्स हैं। सर्वे मेथड में सर्वे करते हैं किससे, कंज्यूमर से, क्या कहते हैं अपने सेल्स फोर्स से, इनसे डेटा कलेक्ट करके आप जो है डिमांड का फोरकास्ट लगा सकते हैं कि इन फ्यूचर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या डिमांड हो सकता है आपकी कंपनी के प्रोडक्ट का। इसे स्टैटिस्टिकल मेथड का भी यूज कर सकते हैं, ट्रेंड मेथड है, बैरोमेट्रिक है, इक्वेशन मेथड है, कोरिलेशन रिग्रेशन मेथड है, इनका भी यूज करके आप क्या कहते हैं डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड है, आप किसी एक्सपर्ट से भी राय ले सकते हैं कि हमारा जो प्रीवियस ट्रेंड रहा है ये रहा है, इसके बेसिस बताइए कि फ्यूचर में क्या सेल हो सकता है। टेस्ट मार्केटिंग कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और जजमेंटल अप्रोच भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड है डिमांड फोरकास्ट के, इसको हम डिटेल में नहीं देख रहे हैं, बस ओवरव्यू ले लिया है कि कितने मेथड्स होते हैं। फिर आते हैं, बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ गुड फोरकास्टिंग, यानी कि कैसे क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एक अच्छे फोरकास्टिंग के लिए। तो एक्यूरेसी होनी चाहिए, प्लॉजिबिलिटी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और इकोनॉमिकल भी होना चाहिए और सिंप्लिसिटी एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये सारे फीचर्स होने चाहिए किसी भी फोरकास्ट में, तभी वो फोरकास्टिंग क्या होगा एक्यूरेट होगा, क्या कहते हैं कि अच्छा फोरकास्ट कहलाएगा, यानी कि जैसा आपने सोचा होगा वैसा ही फ्यूचर में होगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, प्लॉजिबिलिटी यानी कि समझ में आना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, इकोनॉमिकल होना चाहिए, सिंप्लिसिटी यानी सिंपल हो जाए, कंसिस्टेंट होना चाहिए कि जो चीज़ हो रही है वो एग्जिटिज हो रही है, कंसिस्टेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग क्या है, इंपॉर्टेंस टू हेल्प टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। कंपनीज लुकिंग एट किस, कंपनीज लुकिंग है मतलब कि कंपनीज को आगे देखने के लिए प्रेरित करता है। सेव ऑन स्टाफिंग कॉस्ट, रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट, यानी कि हमें जब पता है कि फ्यूचर में हमारी सेल डिक्रीज होने वाली तो हमें इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है, तो हमारी कॉस्ट जो है बच जाती है। हेल्प प्रिपेयर टू फॉर ए ड्रॉप इन सेल, इन फ्यूचर सेल्स अगर ड्रॉप होने वाला है, अगर हमारे स्टेज में जाता है तो हमें उसके लिए तैयार करने में मदद करता है। फिनांसिंग फाइनेंस की लिए भी हमें तैयार करता है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, जैसे आपने डिमांड देखा उसी तरह से सप्लाई। तो सप्लाई क्या है, सप्लाई मीन्स वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी विच प्रोड्यूसर्स विल ऑफर फॉर सेल, यानी कि वो क्वांटिटी किसी भी प्रोडक्ट की जो कंपनी सेल करने के लिए ऑफर करती है एट ए पर्टिकुलर टाइम एट वेरियस प्राइसेस। अगर हम सिंपली कहें तो सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑफर फॉर सेल एट सम प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो लॉ ऑफ सप्लाई, जैसे आपने लॉ ऑफ डिमांड देखा था कि प्राइस में चेंज होता है तो डिमांड में चेंज होता है, प्राइस इंक्रीज करेगी तो डिमांड डिक्रीज करेगी, प्राइस डिक्रीज करेगी तो डिमांड इंक्रीज करेगी, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्लेन दैट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस एंड सप्लाई डायरेक्टली रिलेटेड। तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या था कि प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड, यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई में क्या है, प्राइस एंड क्वांटिटी आर डायरेक्टली रिलेटेड, यानी कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी जो सप्लाई है वो इंक्रीज होगी और प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी वो डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे डायरेक्टली रिलेटेड, इट कैन बी स्टेटेड अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज, अगर बाकी सारी चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी एक्सपेंड्स विथ राइज इन इट्स प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विथ फॉल इन प्राइस, यानी कि सप्लाई ज़्यादा होगी अगर प्राइस बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी अगर प्राइस घटेगी अगर बाकी सारी चीज़ें अनचेंज्ड हैं। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई कहलाता है, यानी लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस एंड सप्लाई आर डायरेक्टली रिलेटेड, वहीं पे लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्स रिलेटेड। सप्लाई फंक्शन, जैसे आपने डिमांड फंक्शन देखा था वैसे यहाँ पे सप्लाई फंक्शन है, और सप्लाई फंक्शन क्या होता है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी एंड अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो जैसे वहाँ पे क्यू एक्स था, यहाँ पे एस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन पी एक्स प्राइस, जिस पे भी वो फैक्टर डिपेंड करता था, जैसे कि एस एक्स सप्लाई है, पी एक्स प्राइस ऑफ कमोडिटी, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, पी एफ प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारे फैक्टर्स हैं। इससे फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट टेक्नोलॉजी, नेचुरल फैक्टर्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, टैक्सेशन पॉलिसी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सप्लाई को, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अब बात करते हैं सप्लाई शेड्यूल, जैसे आपने डिमांड शेड्यूल देखा था क्या होता है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इसी तरह सप्लाई शेड्यूल है, ये क्या है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, कि कितने प्राइस पे क्या क्वांटिटी सप्लाई। आप देखते हैं प्राइस 225 रुपए पे 100 यूनिट सप्लाई किया गया, 275 पे 200, 325 पे 300, यहां देखते हैं प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रही है, ये सप्लाई शेड्यूल कहता है। सप्लाई कर्व, अगर आप उसी को सप्लाई जो सप्लाई शेड्यूल था उसी को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो सप्लाई कर्व कहलाता है। तो यहां पे देखिए वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, और जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है सप्लाई की। तो यहाँ पे क्या है,
डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। सप्लाई इलास्टिसिटी, जैसे कि आपने डिमांड इलास्टिसिटी देखा था, वहाँ पे सप्लाई इलास्टिसिटी है। ये क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन प्राइस। ये मेजर करता है कि किस प्रोपोर्शन में क्वांटिटी ऑफ सप्लाई चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। तो जैसे कि आप फॉर्मूला देख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा, ए प्रोपोर्शनेट चेंज इन वन वेरिएबल ओवर द प्रोपोर्शनेट चेंज इन अनदर वेरिएबल। इफ सप्लाई इज इलास्टिक यानी कि ग्रेटर देन वन, देन प्रोड्यूसर कैन इंक्रीज आउटपुट विदाउट ए राइज इन कॉस्ट और ए टाइम डिले। यानी कि अगर सप्लाई इलास्टिक है, यानी कि थोड़ा सा भी चेंज होने पर प्राइस में चेंज होता है तो सप्लाई बढ़ती है, तो उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए। और अगर सप्लाई इन इलास्टिक है तो प्रोड्यूसर को कम प्रोडक्शन करना चाहिए। आप ये फिगर देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने वहाँ पे बताया था कि परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, वैसे भी यहाँ पे भी है परफेक्टली इन इलास्टिक मीन्स कि सप्लाई में चेंज होने से क्वांटिटी में सप्लाई में कोई चेंज नहीं होता है। परफेक्टली इलास्टिक मीन्स को सप्लाई थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होता है तो सप्लाई में ज़्यादा चेंज होता है। रिलेटिवली इन इलास्टिक मीन्स थोड़ा सा भी इन इलास्टिक यानी कि प्राइस में चेंज होता है लेकिन क्वांटिटी सप्लाई में कम चेंज होता है। रिलेटिवली इलास्टिक मीन्स प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होगा तो क्वांटिटी सप्लाई में ज़्यादा चेंज होगा। और यूनिटरी इलास्टिक मीन्स इक्वल प्रोपोर्शन में प्राइस और सप्लाई चेंज होते हैं। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। ये फिगर है जहाँ पे हम बताना चाह रहे थे कि दोनों ग्राफ यानी कि डिमांड कर्व कैसा होता है, सप्लाई कर्व कैसा होता है। तो आप रेड कलर में देखेंगे तो रेड कलर में डिमांड कर्व होता है, तो डिमांड कर्व हमेशा क्या है, स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है। वहीं पे सप्लाई कर्व अपवर्ड टाइप में होता है, तो जो कि ब्लू कलर में इंडिकेट हो रहा है। तो यूनिट 2 में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको आपको ध्यान से देखना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।